अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम साजिद मुगल है और हम पढ़ रहे हैं सी शार्प। और आज हमारा ये पांचवा ट्यूटोरियल है उसी सिलसिले में। तो आज मैं आपको सबसे पहले जो है ना इसके अंदर डेटा टाइप्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से डेटा टाइप्स को ये सी शार्प जो है सपोर्ट करती है एज ए लैंग्वेज। इसमें डेटा टाइप के अंदर सबसे पहले ऊपर आपको देखें डेटा टाइप की हेडिंग मैंने दी हुई है। इसके बाद मैंने इसका कुछ इस तरह से इसका हायरार्किकल इसका जो है ना स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसमें ये बाकी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत अभी समझ में खैर नहीं आएंगी, जब ग्रेजुअली हम करते जाएंगे तो आपको समझ में आती जाएंगी। अभी हम इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर न्यूमेरिक टाइप। इसके अंदर सबसे पहले इंटीग्रल है। इंटीग्रल में आपका ये इस तरह से शॉर्ट बाइट्स है, बाइट है, कैरेक्टर है, शॉर्ट है, इस तरह यानी कि इसके अंदर ये दिए हुए डेटा टाइप। और दूसरी तरफ आप चले जाएँ रियल रियल टाइप जो होती है हमारे, जिसमें यानी 2.5, 6.5 इस तरह फ्लोटिंग नंबर होते हैं और डेसिमल्स होते हैं। ये इस तरह से जो है ना डेटा जो डेटा टाइप्स होते हैं वो सी शार्प के अंदर सपोर्ट करता है। उसके बाद बुलियन इसके बाद नंबर होता है यानी ट्रू या फॉल्स में, ये भी बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह के यानी कि आपके पास यानी मेन आपके पास अभी यहाँ पे आप जो हम पढ़ेंगे वो तीन डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। एक इंटीजर पढ़ेंगे यानी कि विदाउट यानी पॉइंट, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग नंबर्स जिसके अंदर हम पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे यानी कि, और उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे करेक्टर्स ए बी सी डी इस तरह। उसके बाद स्ट्रिंग यानी वर्ड को पढ़ेंगे और उसके बाद हम ग्रेजुअली यानी कि इन सबको हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करते जाएंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने आज आपको बतानी थी वो थे यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अंदर यानी कि इन्होंने कैटेगरी में रखा हुआ तमाम सी शार्प में तमाम जितने भी इसके अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और डिफरेंट बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको जो आज डिस्कस करना है वो है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपको ये पता है प्लस का जो काम होता है कि तो एड्स टू ऑपरेंड्स को आपस में ऐड करता है, टू हो या थ्री हो जो भी हो, मल्टीपल आप नंबर इसको दे सकते हो, उसके बाद आपस में ऐड करवा सकते हो। और सब्ट्रैक्शन जो है ये इसी का नॉर्मल जैसे मैथ में इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे भी ऐसे इस्तेमाल होता है। और उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये स्टेरिक का साइन इसके लिए इस्तेमाल होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, और डिवाइड का साइन भी। और यहाँ जो नया ऑपरेटर है ना वो ये है मॉड्यूलर ऑपरेटर, मॉड्यूलर भी कहा जाता है इसको, मॉड्यूलस भी कहा जाता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली जो होता है ना ये लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये असल में बेसिकली रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप किसी नंबर को जैसे फर्ज करो मैं 5 मॉड्यूलो 2 करूँगा तो अगर 2 जो है पूरा पूरा 5 पे तकसीम हो जाएगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा 0, क्योंकि यहाँ 2 पूरा पूरा 5 पे तकसीम नहीं हो रहा तो मुझे रिटर्न करेगा ये 1, यानी इसका कोई ना कोई रिमाइंडर आ रहा है। अगर किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे उसका कोई रिमाइंडर आता है तो वो उसकी सूरत में अब रिमाइंडर नहीं देगा बल्कि 1 सिर्फ शो करेगा, और अगर नहीं आता तो 0। इसका मतलब ये है कि कोई रिमाइंडर नहीं है। ये हमारी हम यानी कि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा रैंडम जब हमें इसके अंदर नंबर जनरेट करेंगे और डिफरेंट इसके अंदर मेथड्स हम उसके जब आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके अंदर एक इस्तेमाल होता है इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को जो उसका जो उसकी वैल्यू है, फर्ज करो मैंने कहा कि 5 है, ठीक है, एक मैंने वेरिएबल रखा ए, उसके अंदर मैंने 5 को स्टोर, ए इज़ इक्वल टू 5 मैंने कर दिया, नीचे मैंने कर दिया ए प्लस प्लस। इसका मतलब यह है कि जो भी वैल्यू 5 के अंदर पड़ी हुई है उसके अंदर एक प्लस कर दो। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली जब हम लूप वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसी का इनवर्स यानी सॉरी रिवर्स होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इन प्लस प्लस अगर हम लगाएंगे तो मतलब ये होगा और नंबर में जितनी भी जो वैल्यू है उस नंबर की उसमें प्लस एक कर दो, और अगर हम डिक्रीमेंट लगाएंगे माइनस माइनस करेंगे तो वो इसको एक नंबर को माइनस कर देगा। तो इस तरह से जो है ना आज हमारा मैं आपको इसके अंदर डेटा टाइप्स बनाने सिखाऊंगा और किस तरह हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, कंसोल पे, कि वो यूज़र ख़ुद जो है ना रन टाइम पे आपको इनपुट देगा और उसकी बेस पे हमने वहाँ पे लॉजिक लगाने होंगे कि किस तरह से हम काम। तो आज हमारा काम बड़ा इंटरेस्टेड है, चलो आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो हम छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मैं सबसे पहले इसको प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ यूजिंग सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या था क्लास में लिख दिया, आज क्लास के नाम दे देते हैं यानी कि ऑपरेटर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसके इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने दे दिया जनाब स्टेटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन मेथड होगा, ठीक है। इसके अंदर हम डिफरेंट नंबर्स को, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल के नाम से फोल्डर बनाया उसी में हम इसको example3.cs, मैंने इसी को example3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं इसको जो है ना हम करते हैं example3 करना है, ठीक है।
अच्छा, एग्जाम्पल 3 के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। आप इसमें ज़रूरी नहीं है जावा की तरह कि जो आपने प्रोग्राम फाइल का नाम रखा है, जो आपकी क्लास है उसी के सेव करना। आप किसी भी नंबर से, आप किसी कोई भी नाम दे सकते हो, आप यूज़र डिफाइंड नाम इसके अंदर चल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंट नम वन कॉमा नम टू कॉमा सम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि नम वन को यूज़र से हम इंटर यूज़र से हमने इंटरपुट इसमें इसके अंदर लेनी है, इनपुट लेनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट, क्योंकि हमारा यहाँ पे इंटीजर टाइप है तो मैं यहाँ लिखूँगा इंट, सॉरी यहाँ इंट नहीं होगा। इसको जो है हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे नम वन इज़ इक्वल टू इंट डॉट, इसमें एक पार्सिंग का सिस्टम इस्तेमाल होगा क्योंकि आप जो भी यूज़र से इनपुट लेते हो वो यानी कि नॉर्मली जो इनपुट होती है वो स्ट्रिंग की सूरत में होती है, तो इसलिए ये इसको कन्वर्ट कर देगा, पार्स कर देगा किस में, इंटीजर में हमें चाहिए ना। तो यहाँ हम क्योंकि डेटा टाइप हमारी इंटीजर है तो हम यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे इंट पार्स, यहाँ पे हम अपना कंसोल डॉट रीड रीड लाइन का मेथड हम यहाँ कॉल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका नंबर चेंज कर लेता हूँ, नंबर 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ ऑफलाइन। हाँ, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस ऊपर इसके अंदर ऐड कर लिया कि प्लीज़ इंटर अ नंबर, ये सबसे पहले यूज़र के सामने एक मैसेज आएगा प्लीज़ इंटर अ नंबर, वो एक नंबर इंटर करेगा यहाँ पे रुकेगा, और उसके बाद फिर जो है ना फिर दोबारा प्लीज़ इंटर सेकंड नंबर, तो यहाँ सेकंड नंबर आ जाएगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको जो है ना यहाँ हम आउटपुट दिखाएं उसको जो सम की सूरत में। ठीक है, इसके अंदर हम करते हैं नम वन, इससे पहले हम यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, सम इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा नम वन को नम टू में ऐड कर लेगा, और यहाँ पे अब हमें सम चाहिए तो यहाँ हम सिंपली सम कॉल करेंगे। तो इसका मैं लिख भी देता हूँ साथ में, सम इज कंकैटिनेशन के लिए मैंने प्लस का इजाफा किया तो ये आपके सामने आ जाना चाहिए। तो आए इसको अपनी कंसोल पे जाके कमांड लाइन पे आपने जाना है एग्जांपल में, और यहाँ पे आपने लिखना है CSCEX3A.CS। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, अब इसको हमने EX3 सिंपली हमने रन करना है। प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इसको नंबर दिया 10। प्लीज़ इंटर सेकंड नंबर, मैंने इसको दिया 12। तो इसने जो है ना दोनों का सम करके मुझे सम इज़ 22। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। उसमें आप कोई भी सेंटेंस आप और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यूज़र से मैंने ये पहले इनपुट ली है, इनपुट लेना है आपने इसमें सीखा आज आपने कैसे इनपुट लेते हैं हम कंसोल पे। और अब अगर मैं इसी को फ्लोट में चेंज कर दूँ तो मैं फ्लोट में कैसे कर सकता हूँ फ्लोट, अब मुझे पॉइंट में चाहिए अगर, तो मैं यहाँ फ्लोट कर दिया, यहाँ भी मैंने फ्लोट कर दिया, यहाँ भी मैंने फ्लोट कर दिया। ओके, तो ये अब ये नंबर लेगा जब ना, तो हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंपाइल किया, सक्सेसफुल हो गया, उसको रन करते हैं। अब यहाँ नंबर हमने इंटर करना है, तो ये नंबर में हमने प्लीज़ इंटर 2.6 मैंने दिया, प्लीज़ इंटर अनदर नंबर दूसरा नंबर, ठीक है 3.8 दिया, तो आंसर है 6.5। ओके, ये फ्लोटिंग के लिए इस तरह से काम करेगा पॉइंट। अगर आप इंटीजर पे डायरेक्टली यहाँ इनपुट इस तरह इस सूरत में देते तो ये पॉइंट के बाद वाले को मिस कर देता, ये इसका आंसर सिर्फ 6 आ रहा होता, या इसको 7 में वो राउंड अप कर लेता। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हम, अच्छा हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग हम इस तरह से करते हैं कि फर्ज़ करो जिसने ये काम किया उसके नाम के साथ हम यहाँ पे उसका नाम भी एक प्रिंट करवा देते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन
यहाँ पे आ जाएगा उसको एक मैसेज, इंटर योर नेम। हम उससे यहाँ पे नेम लेंगे, तो यहाँ ओपन मैं इसको पहले डिक्लेयर कर देता हूँ। नाम हम जो है स्ट्रिंग टाइप के इसमें सेव करेंगे नेम। तो जब यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ अब उससे वो लेगा नेम लेगा, ठीक है। नेम इज इक्वल्स कंसोल डॉट रीड लाइन, ओके। यहाँ से उसको नाम नाम पड़ेगा उसका, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ इसमें प्रिंट उसके नाम के साथ हम यहाँ प्रिंट करना चाह रहे हैं कि अच्छा जो भी यानी कि यहाँ पे इस्तेमाल हो ना, नेम नेम यहाँ प्रिंट हो, नेम जो भी नाम इंटर करेगा उसके नाम के साथ यहाँ रहेगा नेम प्लस, ठीक है। तो ये इस तरह देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो हम इसको दोबारा जाते हैं रिकम्पाइल करते हैं, ओके। तो हमने जब रिकम्पाइल कर लिया, चला के देखते हैं, प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इसको दे दिया 2.6 3.8, प्लीज इंटर योर नेम, मैंने इसको नाम दिया साजिद, ठीक है। अब ये देखें साजिद सम इज 6.5, मेरे नाम भी इसके साथ इसने प्रिंट कर दिया, ये इस की बदौलत आया। तो अब इस तरह बाकी ऑपरेटर का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ प्लस लिखा था, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो उसको माइनस कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई भी कर देगा, ये तमाम सिंपल हैं मॉड्यूल। उसके बाद जो है ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में डिटेल में आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा ये ट्यूटोरियल, ठीक है। तो टेल नेक्स्ट लेक्चर आप अच्छी तरह से इन सब की प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेक्चर को अगर आप बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको आइडिया सारा क्लियर हो जाएगा। तो टेल दिस लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।